वही। हेलो, हाँ लंदन वाले मामा जी। हाँ जी, मुसद्दी लाल खोसला बोल रहा हूँ। कहाँ से? करोल बाग, नई दिल्ली से, इंडिया। कैसे ऐसे ही फोन किया? मैं बात करने का दिल चाह रहा था इसलिए फोन कर लिया। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? और निक्कू कहाँ है? निक्कू बात कराओ जरा मेरी उससे। हाँ निक्कू, क्या हाल है? और निक्की कैसी है? ठीक है, वापस दे दिया मामा जी को। मामी जी कैसी हैं भाई? नहीं, आप बता रहे 2 महीने पहले बीमार थी, ठीक हो गई हैं? अरे बड़ा अफसोस हुआ भाई। अच्छा गट्टू कहाँ है? गट्टू, गट्टू से बात कराओ मेरी आप। दोस्तों के यहाँ खेलने गया, घंटे भर में आएगा। और कोई बात नहीं, मैं घंटे भर तक होल्ड करता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। घंटा होल्ड करोगे? रखो फोन। लंदन ट्रंक कॉल किए हो, पता है कितना बिल आएगा? तो भरना किसने है? तुझे तो पता ही है, मुसद्दीलाल खोसला का और टेलीफोन डिपार्टमेंट वालों का ससुर और दामाद का रिश्ता है। पहली बार मैंने फोन लगवाया था अपने नाम से, तो कितने का बिल आया था? 25,000 मैंने भरा था। नहीं, और फोन कट गया था। फिर उसके बाद मेरी जान, मैंने तेरे नाम से लगवा लिया, तो कितने का बिल आया था? 40,000 मैंने भरा था। नहीं, और तब भी फोन कट गया था। फिर मैंने काके के नाम पे लगवा लिया था ना, तब कितने का बिल आया था? 60,000 रुपीज भरा था। नहीं, और फोन कट गया था। तब मैंने पापा जी के नाम से लगवा लिया था, तो अब बता कितने का बिल आया है? अब 70,000 का बिल आया है। बिल तो आया है, लेकिन भरना किसने है? तो फोन फिर से कट जाएगा। कोई बात नहीं, मम्मी जी के नाम से फिर से फोन लगवा लूंगा। देख एक बात याद रख, जब तक टेलीफोन डिपार्टमेंट में मेरा यार पांडे है, तब तक तू चिंता मत कर, जहां फोन करना कर, लंदन, अमेरिका। अमेरिका में मेरा कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। तो बना लेना मेरी यहाँ, जरा बुश को फोन कर और उससे बात कर और पूछ, ओए पाकिस्तान को और कितने पैसे दे रहा है? आ गया जी। हेलो, मुसद्दीलाल खोसला स्पीकिंग। हाँ जी, बिल नहीं भरा, फोन काट रहे हो, नो प्रॉब्लम। लो जी, फोन कट गया। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, तू ऐसा करना, तू 3-4 दिन पड़ोसियों के यहाँ से फोन कर लेना, तब तक मैं मम्मी जी के नाम से फोन लगवा लूंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ ना टेलीफोन डिपार्टमेंट पांडे जी से हेलो करने के लिए। हेलो, पांडे जी स्पीकिंग फ्रॉम टेलीफोन डिपार्टमेंट। आपका फोन चल रहा है? क्या चल रहा है? तो फिर पकड़ के रखिए, कहीं चलते चलते घर से बाहर ना निकल जाए। पांडे जी मेरा टेलीफोन चल रहा है? नहीं पांडे जी, डेड है। पांडे जी डेड है? पांडे जी अलाइव है? नहीं, मेरा मतलब है मेरा टेलीफोन डेड है। कब से? 4th दिन है। चौथा है? हाँ। तो फिर आप भाटिया जी से जाके मिलिए। क्यों? क्योंकि 13वीं और 4th की डील वही करते हैं। ओफो, फिर डेड हो गया। गुड मॉर्निंग पांडे जी। क्या हाल है मुसद्दी लाल? बस जी ठीक ठाक है, आप सुनाइए क्या चल रहा है? कुछ नहीं है, टेलीफोन छोड़ के बाकी सब कुछ चल रहा। अरे टेलीफोन डिपार्टमेंट का टेलीफोन डेड हो गया? नहीं अभी ठीक था, अभी डेड हुआ, हो जाएगा 2-1 महीने में ठीक हो जाएगा। 2-1 महीने? यहाँ कोई लाइनमैन जल्दी फोन ठीक करने नहीं आएगा ना। क्यों भाई? यहाँ कोई चाय पानी लेने वाला नहीं है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारा फोन कट गया? हाँ पांडे जी, आज ही कटा है। गुड, कितने का बिल आया? 70,000 रुपए का। गुड, तो 20% के हिसाब से 14,000 रुपए दे दो। 20%? पहले तो 10% था ना पांडे। 25। अरे क्या बात कर रहे हो पांडे? 30। अरे ऐसा मत करो पांडे यार। 35। अरे पांडे जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। 30। अच्छा देखिए पांडे जी प्लीज। 25। अरे ऐसा मत करो पांडे जी यार। 20। पांडे जी अब कितना भी जी लगाओ ना, 20% से कम नहीं होगा। बस देखिए, पर 20% बहुत ज्यादा है ना। कहाँ ज्यादा है, 70,000 का चूना लगा रहे हो टेलीफोन डिपार्टमेंट को, हम तो सिर्फ 14,000 रुपए मांग रहे हैं बस। चलिए एक काम करते हैं, 10,000 में फाइनल कर देते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम मत आना हमारे पास। अरे ऐसा मत कहो पांडे जी, हमें तो आप ही का भरोसा है। ये दो ना 5,000 एडवांस। नहीं नहीं नहीं, पूरा 14,000 एडवांस दो। क्यों भाई? हाँ। अरे हम पे विश्वास नहीं है, मैं को खा थोड़े जाऊंगा। खा के जाओगे कहाँ? तो फिर एडवांस क्यों? ये नया रूल बनाया मैंने। आपने? अच्छा, आपने बनाया नया रूल, तो ठीक है फिर मैं कल 14,000 रुपए लेके आता हूँ, ये 5 ले जाता। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो, ये तो छोड़ जाओ। छोड़ जाता हूँ तो कल फिर 9 लेके आता हूँ, और साथ में नए टेलीफोन की एप्लीकेशन भी लेके आया ना। जी आज चाय वाय नहीं पूछी आपने? जी चाय तो कल आके पीता हूँ ना। ओके बाय बाय। ओके बाय। हाँ जी, मेरे फोन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब भी फोन उठाता हूँ तो उधर से कोई हेलो हेलो बोलता है। क्या? अरे ये क्या कर रहे हो, आदमियों पे जामा?
भाई साहब तमीज से बात करिए। अरे तमीज से आप करिए, ये कोई तरीका है, ये कोई जगह है पान थूकने की? मेरी मर्जी, हम चाहे जहाँ थूके आपसे मतलब, अगर किसी पे पड़ जाए तो? अरे नाम खराब कर रहे हैं, पिछले 150 साल से पान खा रहा है, रिकॉर्ड है, कभी खराब हो गया हो? एक एक किलो पीस करता हूँ मैं, पर किसी ने आज तक शिकायत नहीं की भाई साहब। पर पड़ तो सकता ना किसी पे? अरे कोई अमेरिका का बम समझा क्या, कंधार पर गिरा है काबुल में फटा, शुक्ला का पान का पी के कंधार में गिरेगा जो कंधार में फटेगा काबुल पर नहीं। अच्छा तो थूक और पहुँचा के दिखा कंधार पे। अच्छा अच्छा आप ये बताइए कहाँ चाहें, अफगानिस्तान चाहें कि पाकिस्तान चाहें? क्या? अरे यार कांडार की चिंता में मर रहा, अपनी चिंता करो, बोलो किससे मिलना है? पांडे जी से मिलना था। अरे तू जाके पांडे से मिलो ना, काहे मेरा मगज खा रहे हो भाई, जाओ। सफाई नहीं करने देते लोग जो दिल खोल के। गुड, पूरे हैं। एक काम करो कल आ जाना। कल? हाँ कल फॉर्म लेके भर के साइन करके वहीं के वहीं जमा करा देंगे ताबड़तोड़। ये बताइए फॉर्म कितने दिन में लगेगा? वही एक हफ्ते के अंदर, घंटी बज जाएगी। ओके सुनो, वो 3000 भी। कौन से 3000? अरे नए फोन कनेक्शन के। तुम्हें बिल्कुल ही भूल गया। मैं नहीं भूला। ये लीजिए, ऊपर की जेब में रखे थे गिन के, ये लीजिए। गुड, तो कल कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे ही ना? हाँ बस आता हूँ। ओके ओके। हटाइए। पांडे जी कहाँ चले गए? अरे भाई साहब किसे ढूंढ रहे हैं? अब जा यार तू। अरे बाप, बीवी से झगड़ा हो गया क्या? तुझे कैसे पता? अरे हम आप करके बोल रहे हैं, आप तुम किए जा रहे हो। अरे भाई थोड़ा परेशान हूँ। तो हमें काहे को परेशान कर रहे हो तुम? अच्छा सुनो भाई साहब, ये बता दो कि पांडे जी कहाँ हैं? अंदर। अंदर कहाँ? कैबिन में? ना उससे भी अंदर। केबिन से भी अंदर मतलब बाथरूम में गए हैं? ना उससे भी अंदर। अबे तो क्या कमोड के अंदर घुस गया? कमोड में घुस जाते तो अच्छा होता, तो उससे भी अंदर घुस गए हैं। कहाँ? जेल में। क्या? हाँ 1 महीने से इंक्वायरी चल रही थी, अभी कल पकड़े गए तो अभी रिमांड में चले गए। अच्छा लेकिन आपको क्यों पसीना पसीना से हो रहा है? नहीं आपने भी तो कुछ उल्टा सीधा। नहीं वो क्या, वो तो जाएंगे ही। वो कौन कौन? अरे जिन्होंने पांडे जी को पैसा खिलाया उल्टा सीधा, वो सब अंदर जाएंगे। क्या? हाँ लेकिन आप कहाँ? आप नहीं, वो नहीं नहीं मैं भी वो हूँ ना। मुबारक हो भाई। क्या मुबारक हो भाई? मुबारक क्यों दे रहे हो भाई, बताओ क्या करूँ? अरे हम क्या बताएंगे, आप लोग भी छोटा पैसा खाने के चक्कर में उधर उधर कर देते उल्टा सीधा। भाई ऐसे मत करो, ये बता दो कि मैं क्या करूँ। देखिए हम तो छोटे आदमी हैं, आप मोटे आदमी से मिलिए। कौन? भाटिया। भाटिया जी मेरा फोन डेड है। कितने दिन से? जी 13वां है। फिर तो पार्टी बनती है। पार्टी? कैसी पार्टी? अरे भाई फोन डेड हुआ है, 13वीं है तो पार्टी तो बनती है ना। ओ, पर भाटिया जी फोन डेड है, मैं थोड़े ही। देखिए आपके डेड होने की पार्टी हम बाद में लेंगे, पहले फोन की तो दे दीजिए। पर भाटिया जी 13वीं तो इंसानों की होती है। फोन भी इंसान ही होता है बेटा। अच्छा देखो फोन बोलता है? बिल्कुल बोलता है। इंसान भी बोलता है। फोन सुनता है? बिल्कुल सुनता है। इंसान भी सुनता है। फोन आता है? बिल्कुल आता है। इंसान भी आ ही जाता है। अच्छा फोन डेड होता है? बिल्कुल होता है। इंसान भी डेड होता है। तो पार्टी बनी ना? बिल्कुल बनती है। तो दो। तो कहाँ? यहीं कैंटीन में। तो चलो। चल नहीं 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 आज नहीं। क्यों? आज किसी और का चौथा है। मैं कल आता हूँ, लंच साथ में करेंगे। हाँ, ठीक है ओके। भाटिया जी आपका इंतजार कर रहा था, जरा 2 प्लेट समोसे तो ला दो। नहीं पहले पैसे दो। बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते ना तुम लोग। अब मेरे पास छुट्टा नहीं है। कितने का छुट्टा चाहिए? कितने का छुट्टा है आपके पास? मेरे पास 100 का होगा। नहीं मेरे को 500 का चाहिए था। एक काम करो आप 20 रुपए वैसे ही दे दो, बाद में एडजस्ट करवा लेंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ये अच्छा तो फिर मेरे पान का भी दे दो ना यार। हाँ लो ना यार। भाटिया जी इनका काम कर दीजिए, पांडे जी इनको चूना लगा के गए। ओफो अरे भाई साहब आप कहाँ रिश्वतबाजी में फंस गए, शक्ल से शरीफ आदमी लगते हैं, कहाँ ये लुच्चे टाइप के लोगों में फंस गए आप। अब क्या बताऊँ भाई साहब आपको, समझ लीजिए विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई थी। तो कितना खिला दिया? 70,000 खा गया। बिल कितने का था? 70,000 का। ओफ तो बताओ क्या करें। क्या बताऊं? क्या बताएं? अब आप ही बताइए। अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ, आप यहाँ से बाहर जाओगे ना तो लेफ्ट साइड पे काउंटर नंबर 2 है, वहाँ पे बिल जमा करा दो, फोन लग जाएगा। ये रास्ता तो मुझे भी मालूम है।
फिर कौन सा रास्ता पूछ रहे हैं आप? अब देखिए सीधी सी बात यह है भाटिया साहब कि 70,000 देना मेरे बस का नहीं है। तो आप फोन किया है तो वो तो भरना पड़ेगा। आपको बीच का रास्ता बताओ ना भाई। बीच का रास्ता? बीच का। ये लो जी बीच में समोसा। बड़ी देर लगा दी आपने। पान लाने चला गया था ना, क्या वो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? भाटिया जी कुछ करें तो होगा ना भाई। हम तो सिर्फ मिलवा सकते हैं। किससे? वो हमारे अकाउंट ऑफिसर है पटेल साहब भाई, वही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वही बचा सकते हैं। मिलवा दीजिए ना। समोसे तो खा लूं? नहीं नहीं खा लीजिए खा लीजिए। नहीं नहीं रहने दो, प्लेट लेके चलता हूं पटेल साहब के पास। मेरा कमीशन? फिर वही बच्चों वाली बात, होने तो दे। ये चलें? कहाँ? वहाँ पटेल साहब के पास प्लेट लेके। हाँ चलो चलो चलो। मेरे पास आने से क्या फायदा है भाई? अब देख लीजिए सर, अगर कुछ हो सकता हो तो, क्योंकि बेचारा ऑलरेडी 17,000 के पटके में है। नेचुरली रिश्वत रिश्वत के चक्कर में पड़ेगा तो ऐसा ही होगा ना भाई। रिश्वत देने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है भाई साहब, क्यों भाटिया? नहीं हुआ है सर। जी सर, लेकिन होगी गलती सर, होगी लाइफ में, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा सर, ये पहली बार हुआ है सर। झूठ मत बोलो। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ सर। ओ मुश्तीलाल जी, आपका पूरा इतिहास जानते हैं हम। ये चौथा फोन है आपके घर पे, इसके पहले 3 लग चुके हैं और कट चुके हैं। फिर पांडे के साथ मिलकर नए नाम पे नए नए फोन लगवाते रहे। अब आपको कैसे पता सर? आपको क्या लगता है हम टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले बेवकूफ हैं? नहीं नहीं सर हैं, हम बेवकूफ हैं, तभी तो आप जैसे लोग बिना बिल भरे इस तरह ऐश करते आ रहे हैं। नहीं देखिए गलती हो गई सर, प्लीज। ओ आपको क्या लगता है प्लीज कहने से आपका काम हो जाएगा? नहीं मुझे तो ऐसे ही लगता है सर। तो गलत लगता है आपको? देखिए देखिए सर प्लीज, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। आपको क्या लगता है मैं रिश्वत लूंगा? नहीं सर, आप तो शक्ल से ईमानदार लगते हैं सर। आपको क्या लगता है हमारे घर में छोटे छोटे बाल बच्चे नहीं है? नहीं नहीं होंगे सर। तो आपको क्या लगता है सारे महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं 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 सर। आपको क्या लगता है हमारा गुजारा सरकारी तनख्वाह में हो जाता है? हो ही नहीं सकता है सर। करेक्ट। आपको जब पता है कि हमारा गुजारा सरकारी तनख्वाह में नहीं होता तो भी आप समझते नहीं है, देते नहीं है। क्या दूं सर? कितने का बिल है भाई? 70,000 का। 70,000 का? ओके, 25,000 में सेटल हो जाएगा। ओके अरे थैंक यू वेरी मच सर। और 25,000 हमें दे दो। अरे बुरा सौदा नहीं है, पटेल साहब ने एक बार मुंह से बोल दिया ना तो पांडे की तरह गायब नहीं होंगे और तुम्हारी इंक्वायरी भी नहीं होगी। इंक्वायरी? हाँ ऑफ कोर्स इंक्वायरी चल रही है ना आप पर। अरे भाई एक ही घर के पते पर 4 फोन लगे हैं और वो भी 2,00,000 के ऊपर के बिल हैं जो भरे नहीं है, तो ऊपर से आदेश है इंक्वायरी का। क्या सर? ऑफ कोर्स, ये 25,000 उसी के तो मांग रहा हूँ। अच्छा आपको क्या लगा बिल सेटलमेंट के मांग रहा हूँ? हाँ सर। तो 25,000 दे रहे हो ना? ओके तो देखो भाई 25,000 दे दो और फिर हम कल ही आपके घर पे फोन की बेल बजवा देंगे। लेकिन सर 25,000 रुपए बहुत ज्यादा है सर। तो मत दो मत दो। आपको क्या लगता है मैं भीख मांग रहा हूँ? भीख मांग रहा हूँ मैं 25,000 की? जाओ भाई बाहर ले जाओ, भाटिया बाहर ले जाओ, नहीं चाहिए ये आदमी। कैसे आदमी को ले आते तुम? अरे भाई ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे घर का फोन कटा हुआ है, मैंने बिल नहीं भरा, ऐसा मुझे गिल्टी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है उनको, कमाल है। आप जाओ 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 जाओ, लेकिन जाने से पहले इनकी एक बात सुनते जाओ। एक नहीं भाटिया, ऑलवेज दो बातें। सॉरी ऑलवेज, ओके ओके सॉरी। दो बातें हो जाएगी, या तो आपकी इंक्वायरी होगी या तो नहीं होगी। नहीं होगी तो हम कराएंगे, और हुई तो दो बातें होगी, या तो आप पर केस बनेगा या तो नहीं बनेगा। नहीं बना तो हम बनाएंगे, और बना तो दो बातें होगी, या तो आपको पुलिस पकड़ेगी या तो नहीं पकड़ेगी। नहीं पकड़ी तो आप पकड़वाएंगे? करेक्ट करेक्ट, हम पकड़वाएंगे, और पकड़ी तो दो बातें होगी, या तो आपकी बेल होगी या तो नहीं होगी। नहीं हुई तो आप बेल करा देंगे? नहीं, हम बेल रुकवाएंगे, और बेल हुई तो दो बातें होगी, या तो 25-30,000 में निपट जाओ या फिर 50-60,000 का खर्चा हो जाएगा। 25 में निपटे तो ठीक, मगर 50-60,000 लगे तो फिर ठीक है भाई, हमारा क्या है भाई। जेल में 50-60,000 भर के बेल कराएंगे, लेकिन 25,000 में घर की बेल सुना रहा हूं तो वो नहीं सुननी है भाई साहब को। जाइए जाइए। आप तो बहुत नाराज हो गए सर। सर प्लीज सर, मैं तैयार हूँ सर, जो आप कह रहे हैं वो करने के लिए तैयार हूँ सर। सोच लीजिए। नहीं मैंने सोच लिया है बस सर, वो बिल। डोंट वरी। यस सर। हाँ उषा जी, ये मुसद्दीलाल खोसला है, इनका 70,000 का बिल है, इन्होंने भरा नहीं है, 25,000 का बना दो। तो बाकी 45 किसमें डाले सर? उनमें जिन्होंने बिल भरे हैं। ओके सर जाइए। आइए जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। कल देना 25,000 के साथ। जी सर वो मेरा फोन सर। अरे पहले बिल भर के तो दिखाओ, बाद में बेल बजा देंगे। जी सर। सर आप ग्रेट हैं सर, ग्रेट हैं सर। आप खाते भी हैं और टेलीफोन डिपार्टमेंट का ज्यादा नुकसान भी नहीं करते हैं। यू नो समथिंग भाटिया, क्या मैं गद्दारी में नहीं मानता, कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए भाई। जिस थाली में खाते हैं
उसी में छेद नहीं करना चाहिए। मैं भी आया सर। कहाँ? आपने थाली का नाम ले दिया ना तो मुझे एकदम भूख लगने लगी सर। So cute. अच्छा बाहर जाकर शुक्ला को भेजो, बोलो चाय वाय देने को। ओके सर, ओके। क्या हुआ मुसद्दी बाबू, बिल सेटल हो गया? अरे कहाँ भाई, बिल भर तो दिया है लेकिन अभी तक चालू नहीं किया है। हो जाएगा चालू। आप जो है ना बिल बस उषा मैडम को दिखा दो, वो चालू करा देंगे। अरे कहाँ है उषा मैडम? यही तो, जब से घर में फ्री में फोन लगा है तब से ऑफिस से फ्री कॉल करने का मजा ही निकल गया है। अरे मैंने तो अपनी सास को पीसीओ खोल के दिया है, बैठी रहती पूरा दिन वहां पे। क्या तुझे भी पीसीओ खोलना है? पर तू हैंडीकैप कहाँ है? क्या सास को बिठाएगी? पर तेरी सास भी हैंडीकैप कहाँ है? क्या बना देगी? कोई बात नहीं, एप्लीकेशन भेज दे, मैं फॉरवर्ड करा देती हूँ। मैडम जरा यही तो। मैडम जरा मुझे जल्दी है। मैं तुझे जरा बाद में फोन करती हूँ, एक है यहाँ पे उसे निपटा लेती हूँ। हाँ एक ही है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। क्या है? ये देखिए मैडम, मैंने बिल भर दिया है, आप जरा फोन चालू करा दीजिए। कैश जमा की? नहीं कैश नहीं, चेक जमा किया है। यही तो, कैश जमा करनी थी ना। क्या जब लेट हो जाता है तब कैश जमा करते हैं? मैं तो हमेशा चेक जमा करता हूँ, आप चालू करा दीजिए ना भाई। बड़े साहब के साइन लाओ इस पे। अच्छा वो नहीं है। कहाँ गए? बड़े साहब से मिलने। वो तो खुद बड़े साहब है, तो कौन से बड़े साहब से मिलने गए? उनके बड़े साहब से। वो कब आएंगे? वो तो बड़े साहब को ही पता होगा। कौन से वाले बड़े साहब को? बड़े साहब और कौन? नहीं नहीं, ये वाले बड़े साहब के, वो वाले बड़े साहब। पहले मुझे ये बताओ ये वाले बड़े साहब कौन है और वो वाले बड़े साहब कौन है? ये वाले बड़े साहब जो उनके पास गए हैं और वो वाले बड़े साहब जिनके पास गए हैं। कौन गए हैं? बड़े साहब। कौन से वाले बड़े? अरे पटेल साहब और कौन यार? तो सीधी तरह नहीं कह सकते, कब से कहे जा रहे हो ये वाले बड़े साहब वो वाले बड़े साहब? गलती होगी मैडम, गलती होगी। तो ये पटेल साहब कब आएंगे? वो तो बड़े साहब को ही पता होगा। कुछ इनसे मिलने गए? यही तो, तुम्हें पता है फिर भी पूछते हो? मतलब पटेल साहब के साइन हुए बिना तो फोन चालू होगा नहीं। तुम्हें तो सब पता है। तो अब मैं क्या करूँ, कल आऊँ? यहाँ बैठो मेरी जगह। पर क्यों? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता है ना, कब आऊँ कैसे आऊँ क्या करूँ। नहीं गलती होगी, ठीक है मैं परसों आता हूँ पटेल साहब से मिलने के लिए। पता नहीं ये बड़े साहब कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। कौन से वाले बड़े साहब, ये वाले कि वो वाले? परसों आता हूँ, परसों। हाँ कल मैं बच्चों को लेकर जू गया था, छुट्टी पे था। जी सर मैं 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ सर आपसे मिलने के लिए। सर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं भाई? सर ये साइन चाहिए थे सर। कहाँ? यहाँ सर। क्यों? वो उन्होंने बोला सर। किन्होंने बोला? वो जो मैडम बाहर बैठती हैं। क्या बोला? यही के साइन चाहिए। किसके? आपके सर। मेरे क्यों? वो मैंने चेक जमा किया ना सर। चेक क्यों जमा किया? मैं हमेशा चेक जमा करता हूँ सर। अच्छा आज तक कितनी बार बिल भरा है? तो एक भी बार नहीं भरा सर। देखो पहले बैंक से लेटर लेकर आओ कि चेक पास हो गया है। कौन से बैंक से सर? उसी बैंक से जहाँ का चेक होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का? हाँ वहाँ से लेटर लेकर आओ कि चेक पास हो जाएगा। तो सर पास होगा तो आपको तो पता चली जाएगा सर। नहीं ना हमें पता नहीं चलेगा, पास होगा तो सीधा हेड ऑफिस चला जाएगा, पास नहीं होता है तब हमें पता चलता है। देखिए सर मैं काम छोड़ के इतने दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, आप साइन कर दीजिए चेक तो पास हो ही जाएगा। लिखवा कर लेकर आओ। आपको विश्वास नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या सर एक आदमी जो 50,000 रुपए की रिश्वत दे सकता है वो 25,000 रुपए का बिल नहीं भरेगा सर? यही तो प्रॉब्लम है ना, आप जैसे लोग बिल भरने से बेहतर रिश्वत भरना पसंद करते हैं। जाओ बैंक से लेटर लेकर आओ और उषा जी के पास जमा करा दो, फिर वो फोन चालू कर देंगे। ओके जी सर। तो ये लिखवाया है बैंक से? जी हाँ। अब एक काम करो भाटिया जी के पास जाओ। वहाँ क्यों? वो एंट्री करेंगे तब मैं चालू करूंगी ना। अरे मैडम आप चालू कर दीजिएगा ना, वो एंट्री कर देंगे। घर में बल्ब है? जी हाँ बहुत सारे हैं। जलाना आता है? हाँ बिल्कुल आता है। कैसे जलाते हो? ऐसे एक बटन होता है उसका ऐसे टिक करके करते हैं तो बल्ब जल जाता है। यहाँ बिना बटन के बल्ब जलाने आए हो? मैडम मैं यहाँ पे बल्ब जलाने नहीं आया हूँ, मैं फोन चालू करवाने के लिए आया। यही तो, इसका बटन भाटिया जी के पास है, वो जब एंट्री करेंगे तो मैं यहाँ से चालू करूंगी, समझे? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या? यही कि जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं देनी चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए, रिश्वत कभी मत दो। किसे रिश्वत दी थी ना? किसी को नहीं। मुझे दी? नहीं आप। यही तो। तो क्या आप चाहो तो ले लो। नहीं मैं नहीं मांगती। आप कितनी अच्छी हैं मैडम। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं नहीं लेती। कितने दो? जो श्रद्धा हो। ये लीजिए देवी जी 100 रुपया। थैंक यू। पर भाटिया जी से एंट्री तो आपको लेनी होगी। पहले यहाँ से एग्जिट तो ले लूं। लो ना। ली ना। बस भाई अब तो डकार भी आ गई, अब और कुछ नहीं लूंगा।
तीन प्लेट समोसे और चार कोल्ड ड्रिंक तो आप पहले ले चुके हैं। अच्छा आप कह रहे हैं तो ले लेता हूँ। शुक्ला जी ये लीजिए ना समोसा और कोल्ड ड्रिंक। आप ले लिया? तो आपको पहले से पता था कि मैं खिलाऊंगा ना? मुझे तो लग रहा था कि आपको खिलाना पड़ेगा। ये रहा बिल 150 रुपए। 150? मेरे पास तो 200 हैं। ठीक है 50 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो भाटिया जी अब तो कर दीजिए एंट्री। हाँ क्यों नहीं भाई क्यों नहीं। ये अरे वहाँ कहाँ, यहाँ कंप्यूटर में कीजिए ना। उसमें कुछ नहीं होता। आता ही नहीं होगा कंप्यूटर चलाना है? अच्छा अरे पांडे जी आ गए। क्या हाल है शुक्ला जी? अरे पांडे तू आ गया। ओए तमीज से भाटिए। ओ पांडे जी कैसे हो? ठीक तो हो? सुना है रिश्वत लेने वालों को बड़ा मारते। रिश्वत दे दो तो नहीं मारते। ओहो मुसद्दीलाल क्या हाल है? बस ठीक हूँ पांडे जी। सॉरी यार वो तुम्हारा टेलीफोन वाला काम मैं नहीं कर पाया, जरा अर्जेंट में जाना पड़ा। डोंट वरी एक हफ्ते के अंदर फोन लगवा दूंगा। नहीं नहीं वो पुराना वाला ही ठीक है। क्यों वो तो कट गया था ना? मैंने बिल भर दिया है। अरे तो कोई बात नहीं वो पेमेंट मैं अगली बार मैं एडजस्ट कर दूंगा। नहीं नहीं आप एडजस्ट मत कीजिए, मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगा। कैसे? मैं उतने ही फोन करूंगा जितने का बिल भर सकूं। अरे आप ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ईमानदारी की नौकरी क्या कर सकेंगे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।